और ये रही आपकी हरे रंग की साड़ी, जबकि इसमें इतना हरा रंग था भी नहीं, फिर भी नीचे से हरा रंग है। नमस्ते, मैं दृष्टि विश्ववारा कन्या गुरुकुल रोड की, जो हरियाणा राज्य के रोहतक जनपद में है। आज मैं आप सबको एक विशेष चीज दिखाने जा रहे हैं। सामान्य करके जब गांव में भी या अलग जगह पर भी जब कोई जादू दिखाने के लिए आते हैं तो हमें लगता है कि शायद वो बाबा या सन्यासी लोग ज्यादा कर सकते हैं, या हो सकता है वो किसी तरीके का छलावा हो या आंखों का भ्रम हो, या मतलब वो सिर्फ एक दिखावा भी हो सकता है या चमत्कार हो सकता है जिसे आम आदमी नहीं कर सकता एक तरीके से। लेकिन आज आपके सामने ये छोटे छोटे बच्चे बैठे हुए हैं जो आपको दिखाएंगे कि वो सिर्फ चमत्कार हम किस तरीके से कर सकते हैं। हम अपने मन की शक्तियों को अगर अच्छे से जगा लें, अगर हम अपने आप को दुनिया से कुछ पल के लिए भी हटा लें, तो हम कितनी बड़ी उपलब्धियों को हासिल कर सकते हैं, उसका नमूना ही बच्चे आप सभी के सामने रखने जा रहे हैं। ये अपनी आंखों पर पट्टियां बांध रखी है इन्होंने। मैं आपको एक बार एक उदाहरण के तौर पर दिखा देती हूँ ताकि आपके आगे ऐसा ना हो कि ये किसी भी तरीके का धोखा है या इन्होंने पट्टियों के नीचे से देखने की कोशिश है। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये दो कॉटन हम इनकी आंखों पर लगा रहे हैं ताकि बिल्कुल भी देखने की कोई जगह ही ना बचे। और ये मैंने ऊपर से पट्टी बांध दी है टाइट। इसी तरीके से ये सबकी पट्टियां बंधी हुई हैं। अब ये बिना आंखों का यूज किए, मतलब इसे एक तरीके से अतीन्द्रिय ज्ञान कह सकते हैं कि बिना हम अपनी इंद्रियों का प्रयोग किए बिना, अपनी बिना किसी भी सेंस को यूज किए बिना हम कैसे चीजों को देख सकते हैं। और इसका सबसे बड़ा बेनिफिट वो लोग उठा सकते हैं जिनकी आंखें नहीं है। वो बिल्कुल भी हताश ना हो, क्योंकि अब उनके पास एक ऐसा तरीका है जिसे वो सीख करके आगे अपने फ्यूचर में उसका यूज कर सकते हैं। और ये सिर्फ कुछ सप्ताह और कुछ लोगों के लिए 2-3 महीने की मेहनत है सिर्फ। अगर वो इसे कर ले तो इसका बहुत बड़ा फायदा उठा सकते हैं। हम इनके सामने कुछ कलर्स रखेंगे, कुछ कार्ड्स रखेंगे जो अलग अलग चीजों के, ऐसा भी नहीं कि फल सब्जियां ही हो, वो किसी महापुरुष का फोटो भी हो सकता है, वो कोई घूमने की जगह भी हो सकती है, वो कुछ भी हो सकता है। इन्हें भी नहीं पता सब पैकेट में बंद है। कोई भी रेंडमली हम कोई भी कार्ड उठाएंगे और इनके सामने रख देंगे, ये उसे पहचान लेंगे, उन लिखे हुए अक्षरों को पहचान लेंगे जो उनके आगे होंगे। वो पूरी पूरी किताबें पढ़ सकते हैं, वो न्यूज़पेपर तक पढ़ सकते हैं, पैरों से पढ़ सकते हैं, जरूरी नहीं हाथों का यूज करें, वो चीजों को बिना छुए भी पढ़ सकते हैं। अभी आपके सामने धीरे धीरे एक एक चीज इनका एक एक लेवल बढ़ता चला जाएगा, लेकिन उससे पहले इन सब का जो आधार है ध्यान, हम वो करेंगे। तो आइए ये सभी बच्चे अपने आप को इस संसार से कुछ पल के लिए दूर करते हुए और ध्यान साधना करेंगे। तो एक बार शांति बनाते हुए और हम ओम का उच्चारण सुनेंगे, करेंगे भी नहीं सुनेंगे, ताकि हम अपने मन को केंद्रित कर पाए। अब हम इस चीज की शुरुआत रंगों की पहचान से करेंगे कि कैसे हम बिना आंखों से देखे रंगों को पहचान सकते हैं। तो एक सेकेंड, मैं जिसका नाम लू वही सिर्फ जवाब देंगे। अक्षिता ब्राउन। ब्राउन। उत्तरा ऑरेंज। कलर को ऊपर कीजिए। ऑरेंज। ऑरेंज। संभूति येलो। सांदी रेड। रेड। आगे रख दीजिए उन्हें। ज्योति पिंक। पिंक। शिवांशी अभी प्रयास रहते हैं। अब ये रेंडमली कोई भी कार्ड दिया जा रहा है, आप इनमें ना एक बार ज्योति ऐसे भी कर सकते हो, बीच में से बिना अपने आप देखें और ऐसे एक कोई भी कार्ड निकाल दो। उत्तरा खीरा। खीरा। खीरे जैसा है पर खीरा नहीं है, सोचना पड़ेगा।
लौकी, अक्षिता टमाटर, टमाटर, संभूति एक आदमी है जो यज्ञ कर रहे हैं, एक आदमी है जो यज्ञ कर रहे हैं, कुछ लिखा हुआ भी है इस पे? हाँ, बढ़ के बताइए। यज्ञ, यज्ञ, सानवी ऑरेंज कलर स्टार, ऑरेंज कलर स्टार, और लिखा हुआ क्या है? ऑरेंज, ऑरेंज, ज्योति खरगोश, खरगोश, शिवांशी ग्रीन, ग्रीन, तेज बोलो, ग्रीन, ग्रीन, अब ये सिर्फ हमने कलर्स और कार्ड्स देखे, ये इनका आरंभिक स्तर था, ये यहाँ तक पहुंचने में सिर्फ 2 दिन लगते हैं। अगर आप एक एक घंटा 2 दिन तक भी अभ्यास करेंगे तो इतना आप कर सकते हैं, लेकिन ये सिर्फ उनके लिए है जिनकी आयु सिर्फ 8 साल से लेके 15 साल तक हो। अगर उससे बड़े इस चीज को करना चाहते हैं तो उन्हें विशेष पुरुषार्थ करना पड़ेगा और इस काम को करने में उन्हें लगभग 1 महीना लगेगा। अब हम कुछ किताबों को पढ़ेंगे, कोई भी किताब हम इनमें से पुस्तक उठा रहे हैं, कोई निश्चित नहीं है, कोई से भी निकाल सकते हैं, किसी को कोई से भी देते हैं। संभूति संस्कृत सैंपल पेपर सहित पाठ्यपुस्तक से मौसी एवं व्याकरण विधि पर आधारित। उत्तरा इंग्लिश स्किल्स, इंग्लिश स्किल्स, वेरी गुड। अक्षिता कार्य पुस्तिका, कार्य पुस्तिका, बहुत अच्छे। ज्योति सानवी इंग्लिश, इंग्लिश। अब ये था इनका हाथों से चीजों को पढ़ना, अब ये पैरों से भी पढ़ सकते हैं, किताबें नहीं दी जा सकती, हम न्यूज़पेपर से इसका परीक्षण करेंगे कि कैसे हाथों का भी प्रयोग नहीं होगा, पैरों से ही। ज्योति पाणिन्याष्टकम, पाणिन्याष्टकम, बहुत अच्छे। प्रकाशकों, निजी प्रकाशकों की 3,000 से 10,000 रुपए तक की बुक लगवा रहे स्कूल, डुप्लीकेट का भी खतरा। उत्तरा राजस्थान में स्वास्थ्य का अधिकार, बहुत अच्छे। अक्षिता कक्षा 12वीं की परीक्षा 2 हिस्सों में 10वीं 12वीं के नतीजों में जुड़ेंगे, पिछले बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अब एक अद्भुत चीज, हम रुक जाइए, ये मैंने कीपैड फोन कर दिए हैं और ये खुद ही टाइप करेंगे, आप जो भी कहें, क्या टाइप करना है, कुछ भी, हरियाणा, सर्च कीजिए। हरियाणा हो गया। अब एक सेकेंड।
अब मैंने एक वीडियो चला रही हूँ, आपको बताना है कि इसमें क्या है, मतलब दिख क्या रहा है, आपको एक्सप्लेन करना है। संभूति, इसमें क्या बना हुआ है वो बताना है आपको, बिना स्पर्श किए। और यहाँ भी घर से बने हुए हैं, ग्रीन ग्रीन, और यहाँ थोड़ा ब्राउन ब्राउन सा रास्ता जा रहा है, और यहाँ भी एक घर है। बस बस बस, तो आपने देखा कि किस तरह बिना छुए भी, ऐसा नहीं कि छूने का अब इंतजार रहेगा, ये सर धीरे धीरे बढ़ता चला जा रहा है। अब जैसे कि आपने देखा कि जब हमने इस कार्यक्रम का आरंभ किया था तो ये महानुभाव यहाँ पर नहीं थे, अब ये भी आ गए हैं, इनको तो इन्होंने देखा भी नहीं है। अब मैं किसी एक से कहूंगी कि वो, मतलब अपने आप ही आप देखिए, उत्तरा किसी ने हरे रंग के कपड़े पहन रखे हैं, आपको उनके पास जाना है। संभूति, एक पुस्तक है वेदों का यथार्थ स्वरूप, आपको उस पुस्तक के पास जाना है। देख के वेदों का यथार्थ स्वरूप, उत्तरा हरे रंग के कपड़े। वेदों का यथार्थ स्वरूप पुस्तक आपके सामने है, यानी कि अगर आपको पुस्तकालय में कुछ पुस्तकें ढूंढनी है और आपके पास आंखें हैं तो हो सकता है आपको 2 घंटे लगे, लेकिन अगर आपके पास आंखें नहीं और ये शक्ति है तो सिर्फ 2 मिनट लगेंगे। और ये रही आपकी हरे रंग की साड़ी, जबकि इसमें इतना हरा रंग था भी नहीं, फिर भी नीचे से हरा रंग है। तो इस तरीके से आपने देखा कि किस तरीके से हम ध्यान उपासना से अपनी शक्तियों को इतना बढ़ा सकते हैं। संभूति जी, आप अपने यथास्थान आ जाइए। कि ये बहुत बड़ी बात है कि अगर किसी के पास आंखें हैं तो उसे लाइब्रेरी में बुक ढूंढने में हो सकता है ज्यादा टाइम लग जाए, लेकिन अगर आंखें नहीं और ये शक्ति है तो फिर टाइम नहीं लगेगा। तो ये हमने एक छोटे से अपने ध्यान साधना के अभ्यास से, थोड़े से अपने मन को एकाग्र करने मात्र से, अपनी मन की शक्तियों का बहुत थोड़ा सा प्रयोग करने पे इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल की है। तो सोचिए, अगर हम उस मन को साध करके कुछ लंबे समय तक इसका अभ्यास करेंगे तो सिर्फ इतना नहीं, इससे बहुत आगे पहुंच सकते हैं। ये तो बहुत छोटी उपलब्धियां हैं।